encoded and synchronized by K4 Krish. No te esperaba hasta mañana. Ya, es que he conducido sin parar. Quería deshacerme del bicho cuanto antes, sí. Yo me quedaré con él encantado. Encajará muy bien por aquí. Ah, pues bien. Si me da el dinero, el animal es todo suyo. Tal vez deberíamos bajarlo del furgón y echarle un vistazo para asegurarme de qué es lo que he comprado. No. El bicho no se mueve de ahí hasta que se me pague. Escuche, vale más de lo pactado. De veras que no vale. Se lo digo en serio, ¿de acuerdo? Gracias. Ahí está todo. Más. Balki tumhari achhi service ke liye maine tumhe thoda zyada hi diya hai. Thank you very much. Main tumhare liye kuch tranquilizer guns bhi laya hu kyunki wo sala kabhi bhi kuch bhi kar sakta hai. Hum use khud sambhal lenge. ठीक हूँ। इसे इसकी सही जगह पर पहुंचा दिया है मैंने। नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अब कुछ नहीं होगा। इसे बेहोश की दवा दे दी है। अब इसे यहां से बाहर निकालो। आ जाओ। बाहर आ जा। आ जा। आ जा। चल चल चल। आ जा जल्दी। आ जा। Come on। चल जल्दी। मैं बोल रहा हूं, मुझे वो मिल गया है। हाँ भाई, वो बिल्कुल जिंदा है। नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वो आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे कलेक्शन में एक यूनिक एडिशन होगा। Good morning, शेरिफ। जरूर कोई इस ट्रक को छोड़कर गया है, क्यों? हाँ, ये हेस्टैक रोड के लगभग आधे मील दूर मिला। कीचड़ से निकालने में हालत खराब हो गई। समझ में नहीं आता आखिर किसी ने इसे वहाँ क्यों खड़ा किया था। अजीब बात है, मुयर। बहुत अजीब। सोचो, इतना बड़ा ट्रक अब सिर्फ बकरियां रखने के काम आएगा। बहुत बुरा लगता है। ऐसी बदबू आ रही है जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो। चलो इसे भी खोल देते हैं। इंटरेस्टिंग, ये काम आ सकता है।
जर्सी की प्लेट। तो तुम्हें क्या लगता है? वापस ले जाओ, बाद में देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है शेरिफ। ऑफ कोर्स पास्टर, तुम सही कह रहे हो, उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल हाँ पास्टर, लेकिन ये बहुत छोटा सा शोहर, मुझे यकीन है कि वो कुछ नुकसान नहीं करेंगे। हाँ वाकई कुछ, हाँ पास्टर शायद, ठीक है तो अब मैं उसे बता दूंगा। उस ट्रक के मालिक का कुछ पता चला? नहीं, स्टेट के बाहर की प्लेट है, उसका ऐसे मिलना बहुत अजीब है। बोलो पास्टर, मैं सुन रहा था। मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हें इस बात की कितनी चिंता है। तो फिर ठीक है, फिर वही नेक पास्टर, इस बार क्या हुआ? वेल, उसने शहर के आसपास कार्निवल के अजीबोगरीब शो के पोस्टर देख लिए, इसलिए वो परेशान है। वो हमेशा शहर को बचाना चाहता है, जहां तक मुझे याद है वो ऐसा ही है। ये मामला अलग है, वो अजीबोगरीब लोगों के शहर में आने पर गुस्सा है। अच्छा एक काम करना, वो दोबारा कॉल करे तो उसे बता देना कि मैंने देखने गया था, मुझे चेक करना था कि उनके परमिट्स ऑर्डर में है या नहीं। प्लेट्स के बारे में पता करूं? हाँ, ये प्लेट्स स्टेट के बाहर की हैं, शायद पता लगाने में समय लग जाए, पर तुम जल्दी इसका पता लगाओ। रिलायंस शेरिफ्स डिपार्टमेंट। वो अभी अभी यहां से चला गया है, तुम थोड़ा सा लेट हो गए पास्टर। आई नो, वो उन लोगों से बात करने गया है। यस पास्टर। नहीं,
बस ओना को ढूंढ रहा हूं। वो तुम्हें यहां नहीं मिलेगा। ठीक है, हैव अ गुड डे। Excuse me. Hi. मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं ओनर को ढूंढ रहा हूँ। आपका मतलब क्या आपसे है? वैसे मेरा नाम कैप्रिनी है, पर मेरे खास दोस्त मुझे कैप बुलाते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ शरीफ? Well, मिस्टर कैप्रिनी, ऑफिशियली मैं ये देखने आया हूँ कि आपका परमिट सही है या नहीं। वैसे मैं ये भी देखने आया हूँ कि आप यहाँ क्या करने वाले हैं। लगता है आप शहर में अच्छा शो लेकर आए हैं। यहाँ के सीधे साधे लोगों ने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा होगा। यकीनन उन्होंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा होगा। हमारी कौम खत्म होने की कगार पर है। अगर समझ सको तो ये सन की बेतुके और अजीबो गरीब लोगों की अलग दुनिया है। समाज की बेरुखी के कारण हमें अंधेरों में जीना पड़ता है। अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए हमें ऐसे शो करने पड़ते हैं। यकीनन यह सब सच नहीं हो सकता। हाथ कंगन को आसी क्या शरीफ, जो तुम्हें दिखता है वही तुम्हें मिलता है। अब समारा को ही देख लो। इसे जितनी खूबसूरती मिली इसकी दृष्टि भी उतनी ही खूबसूरत है, जो हर बार सही साबित हुई है। इसे अपना हाथ देके देखो, देखते हैं कि तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा है। रहने दीजिए। कम ऑन शरीफ, ये तुम्हें काटेगी नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कई बार पहली बार में साफ साफ दिखाई नहीं देता। तुम्हें और भी काम होगा, चलो चलकर परमिट देख लो। हमारी ओपनिंग सेरेमनी में तुम आओगे ना? हाँ, मुझे लगता है आज रात सारा शहर यहीं पर होगा। यही हुई ना बात। गॉड्स ग्रेटेस्ट अबोमिनेशन, ये तो बड़ा अशुभ सा नाम लग रहा है। शरीफ, मैं तुम्हें एक नई चीज दिखाना चाहता हूँ, चलो। मैं देख कर आऊं? हाँ, देखना जरूरी है। ये तो शैतान है। पिंजरे में बंद है ये तो। रुको शरीफ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर इसे डराया जा सकता है। गॉड, आखिर ये है क्या? ये तो हमें भी नहीं पता, पर ये कुदरत का एक नमूना है। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे यकीन है कि इसे देखकर क्राउड बहुत खुश होगा। ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं शरीफ, हम इसे बेहद शांत और अपनी निगरानी में रखते हैं। इसे पिंजरे में रखना वैसा ही है जैसे लायन या टाइगर को रखना। सच्ची सच्ची मुझे यकीन है शहर के लोगों में ये बहुत बड़ा हिट होगा। हाँ बिल्कुल सही, इसके बारे में फिर बात करूंगा मैं। तुम वो परमिट स्टेशन पर पहुंचा दो। ठीक है, मैं क्विन के हाथों परमिट वहां पहुंचा दूंगा। क्या तुम्हें शहर के बाहर जर्सी की प्लेट्स वाला कोई ट्रक मिला था? नहीं, तो जर्सी प्लेट्स वाला तो बिल्कुल नहीं देखा। हाँ। मुझे उम्मीद है तुम ओपनिंग में जरूर आओगे। हाँ? जरूर आऊंगा। बढ़िया। हाँ। आने के लिए शुक्रिया, गुड डे। सॉरी, मैं दूसरे पोस्टर्स नीचे ले गया था, लेकिन शायद उन्होंने और पोस्टर्स लगा दिए हैं। आप कहे तो इन्हें भी हटा दूं? नहीं नहीं, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। उन सन के लोगों को हमारे शहर में रहने की परमिशन न मिल जाए, जितनी जल्दी इसका फैसला हो जाए उतना अच्छा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। टेलर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारा यहाँ काम करना जरूरी है, हमें सच बताने के लिए लोग चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे कर पाओगे। जितने लोग होंगे उतना अच्छा, भले ही घर घर जाना पड़े। ठीक है, तुम अच्छे बच्चे हो। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमारे शहर का वजूद खतरे में है।
तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो जेसी? पेरी के घर, याद है? तुम कार्निवल में नहीं जा रहे? नहीं, वहाँ की चीजें बहुत बोरिंग होती है तो। टेलर ओवन तो वहाँ नहीं आने वाला है ना? नहीं मॉम, वो पेस्टर का लड़का मुसीबत के सिवाय और कुछ नहीं। जानता हूँ मॉम, आई नो। बाय। हैव फन, अपना ख्याल रखना। अच्छा मजाक था। लिफ्ट चाहिए क्या? दोस्त, तुझे अपना चेहरा देखना चाहिए था। लो हल्के हो लो। जाम, जिसे पीने की इच्छा तो नेक पास्टर की भी रहती है। पाखंडी। हे या, ये मेरी मॉम की इच्छा है इसलिए उसकी दुकान में भी यही मिलती है। वेल वेल वेल, वैसे अब शायद तुम्हारा कुछ हो जाए जस। एक जाम हो जाए उस शैतान के लिए जो मेरे डैड के नाक के नीचे बैठा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा प्यारा शहर जो ऊपर वाले से डरता है उस पर इन पापी कार्निवल वालों ने घेरा डाल दिया है। ओह नो। हम सब जानते हैं कि वो क्या लाए हैं। वो शैतानी करतब करते हैं, जाम पीना, अजीबोगरीब हरकतें करना। ये वो बेतुके लोग हैं जो ऊपर वाले की आंखों में अखरते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नर्क के रास्ते पर ले जाएंगे। फिर कहना चाहता हूँ, बहुत जोश में भाषण दे रहा है। वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता। नहीं, मैंने पहले कभी उसे ऐसे नहीं देखा। वो परमिट चेक हो गए? हाँ, वो वहां काउंटर पर, सब कुछ ठीक है। वो सांप जिसने मुझे काटा था, वैसे मैं वहां जा रहा हूं। तुम्हारे हो? मैं जर्सी के डीएमवी के लिए होल्ड पर हूं। लगता है वो प्लेट चुराई गई थी। ये रहस्य तो उलझता ही जा रहा है। हमें पुलिस वाला काम करने का मौका मिल ही गया। जो भी करना ध्यान से करना। ठीक है, फिर वहां मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैं होल्ड करता हूं। ये जो ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं, ये जो खुद को बेतुका बताते हैं, हमें उन्हें ऊपर वाले की राह दिखानी होगी। उनकी आत्माओं को बचाना होगा, उन्हें अंधकार से रोशनी की तरफ लाना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल 50। चलो लाइन में आओ, अंदर मजा आएगा, देखते जाओ। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। हाँ, ये क्या बला है, द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन। मिस्टर रोज, ये मैं रख लेता हूँ। क्या कर रहे हो शरीफ, बच्चों को तो छोड़ दो। तुम टिकट संभालो, मैं अपना कानून संभालता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे टेलर। कम ऑन शरीफ, हम तो बस इस शो का मजा लेना चाहते हैं। तमीज से पेश आना, और इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। अंदर जाओ, टिकट लेने की जरूरत नहीं। थैंक्स। पर तुम पैसे दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स,
आप जो भी देखने जा रहे हैं वो आपको डरा देगा। उसे देखकर आपकी रूह कांपने लगेगी। ये हफ्तों तक आपके सपनों में आके आपको डरा देगा। अगर आप में से कोई इस डर को देखने के लिए तैयार नहीं है तो दरवाजा उधर है। इस पर्दे के पीछे एक स्टील के पिंजरे में जिसे रखा गया है वो इतना भयानक है कि जिसे देखकर परिंदों से दरिंदों तक सब कांप उठेंगे। हमारे पास यहाँ स्वर्ग से धिक्कार आ गया शनि का बच्चा है जिसका जन्म शैतान से हुआ है। आप कुछ ज्यादा ही बकवास हो गई। शनि के बच्चे के बारे में जानना होता तो मैं किताबों में ही पढ़ लेता। सब्र करो बच्चे, इस शैतान के सामने तमीज से पेश आओ। मैंने क्या कहा था? तुमने मेरे असिस्टेंट क्विन को देखा? इसने शैतान को इज्जत नहीं दी, इसलिए उसे खोनी पड़ी अपनी आंख। ये जीव इस दुनिया का नहीं है, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है कि सब लोग अपना अपना ध्यान रखेंगे। चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। यही है वो शैतान। क्या ये शैतान है? लगता तो एक मजबूत स्टील के पिंजरे में है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ जी, सच में यह कुछ नहीं कर सकता। इसे बेहोशी की दवा दी कि नहीं? मैंने दी थी। तो लेने दो। तूने देखा वो चीज उस पिंजरे से कैसे बाहर निकल गई? अच्छा हुआ कोई मारा नहीं। अरे डैड का तो दिमाग खराब हो गया होगा। ए, बोतल निकाल। मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ओके, किसे पता वो चीज उड़कर कहाँ गई हो? छोड़ ना यार, तू भी बेवकूफ है। वो तो कब का भाग गया होगा। कम से कम ऐसे खुले में तो मत खड़े रहो। ये हुई ना बात, तो चल मैं आया। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, डर खुद डरेगा। मेरे दोनों से सब ठीक है, डरो मत। समारा, तुम ठीक तो हो? थोड़ा घबरा गई हूँ पर जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लगता है तुम्हारे कुछ दोस्त जा रहे हैं। हमारे लिए ये आसान नहीं है। कार्निवल हमारा घर है, यहाँ हम सुरक्षित महसूस करते हैं और अब ये शेरिफ। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हालात कैसे हैं? किसी को चोट लगी है, कोई घायल है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। जानते हो डेव, हम लकीली बच गए। वो चीज बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती थी। शेरिफ, शेरिफ, सबको यहाँ से फौरन बाहर निकालो। चलो ठीक है। तुम उस चीज के पीछे जा रहे हो ना? मैं अपनी राइफल और अपना डॉग लेके तुम्हारे साथ आता हूँ। तुम बस हुक्म करो। देखो अभी कुछ नहीं चाहिए लूक, तुम बस घर जाओ। शेरिफ, उसे ढूंढने का एक ही अच्छा तरीका है, उसे ढूंढो और खत्म करो। घर जाओ। शेरिफ, तुम जानते हो क्या करना है, सही है ना? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं अभी बहुत बिजी हूँ पास्टर। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो जो हुआ है वो नहीं होता। ओवेन, ये समय इन सब बातों का नहीं है। सुनो, उस चीज से अगर इस शहर के किसी बंदे को नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। तुम अगर ये काम नहीं कर सकते तो मुझे ये मामला अपने हाथों में लेना पड़ेगा। बताने के लिए शुक्रिया। मिस्टर कफरीनी,
अगला नोटिस आने तक ये कार्निवल पूरी तरह बंद रहेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं कैप, तुमने कहा था वो जीव नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुमने मुझे यकीन दिलाया था, तो बताओ ये सब कैसे हुआ? मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। देखो तुम्हें भी वही चाहिए जो हमें चाहिए, इस मामले का कोई तो हल निकालना होगा हमें। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। शेरिफ प्लीज प्लीज, वो जीव नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ थोड़ा सा डर गया था। वो हमारे कार्निवल का एक बेशकीमती हिस्सा बन गया है, पर हमें उसे बिना किसी नुकसान के वापस लाना है। हमें जाकर उसे पकड़ने दो प्लीज। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब वो नहीं बचेगा। मैं उसे मारने जा रहा हूं। हम शेरिफ को उसे मारने नहीं देंगे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि चेन मुझे उस मॉन्स्टर के कितने पैसे देने को तैयार है? सिर्फ तुम्हें नहीं, हम दोनों को। क्या? हम दोनों को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पर हम उस मॉन्स्टर को यहाँ जिंदा वापस लाकर आएंगे, जिंदा। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? मैं जा रही हूँ। जा रही हो? तुम अभी नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैप, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और मुझे उसमें से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? जब तुम्हारे पास जाने को कोई जगह नहीं थी तो तुम्हें किसने रखा? किसने तुम्हें घर दिया? जब बाकी सबने तुम्हें सिर्फ एक शो में काम करने वाला नमूना समझा, तो किसने तुम्हें एक परिवार की तरह सहारा दिया? मैंने तुम्हें अपने की तरह बड़ा किया है, तुम पर मेरा कर्ज है। प्लीज, मैं उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करने तक यहां रुकूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। मुझे उस जीव की कोई चीज चाहिए या फिर उसकी छुई हुई कोई भी चीज। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो जान ही निकल गई थी दोस्त। इट्स ओके डॉगी, इट्स ओके, गुड बॉय, गुड डॉगी। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। इधर आओ डॉगी। इस डॉगी के चेहरे पे तो खून लगा है। गॉड, क्या ये किसी का पैर है? क्या मुश्किल बात रही तुम्हें? वो, 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 आराम से, शांत हो जा। Oh!
झूले से टकराते वक्त वो घायल हो गया होगा। इससे काम चल जाएगा, इसे इसमें डाल दो। काश उसे ज्यादा चोट न लगी हो। तुम बेकार की चीजों से ज्यादा उम्मीद रखते हो, खुद के लिए भी क्या? वो जीव इस कार्निवल की आखिरी उम्मीद बची है। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन प्लीज अपनी ये बेकार की दया मुझे मत दिखाओ। आज की रात ऐसी बात करने का वक्त नहीं है। सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। रस्सी, लहरें और एक टूटा हुआ दिल। रस्सी, लहरें और एक टूटा हुआ दिल। रस्सी, लहरें और एक टूटा हुआ दिल, मतलब क्या हुआ? इन सब चीजों से मैं क्या पता लगाऊंगा? मुझे जो दिखा मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं खुश हूं कि तुम यहां रुक गई। ये बताओ, उस दिन शरीफ से हाथ मिलाया तब तुम्हें क्या दिखा था? मुझे मौत दिखी थी। ओवेन आया हुआ है, वो कह रहा है टेलर कल रात घर नहीं आया। मैं उससे क्या कहूं? जब तक कुछ बताना लग जाए उसे कुछ बताना मत, और उसे वहीं रखना। कुछ पता लगता है मैं तुम्हें खबर करता हूं। ठीक है। ये लड़का अभी अभी जंगल से लड़खड़ाता हुआ आया, मैंने इसे मारा भी, फिर भी ये कुछ नहीं बोला। मुझे पूरा यकीन है ये उसी चीज की वजह से हुआ है जो कल रात कार्निवल से भागी है। जैसे तुम ठीक तो हो? देखो जो हुआ वो मुझे बताओ। जैसे कुछ बोलो। वो ब्रिज, नदी। अच्छा, कौन सा ब्रिज, कहां पर? ब्रिज पर उसने मार डाला।
जिस तरह वो चिल्ला रहा था वो मर चुका है, उसने मार डाला। जैसे किसने मारा उसे? मुझे सिर्फ ब्रिज का टूटना सुनाई दे। ओके, ठीक है जैसी, रिलैक्स। ये जंगल के बाहर किस तरफ से आया था? ये उस तरफ से आया था। इसे थोड़ा संभल कर चलाओ, ठीक है? चिंता मत करो। Roger, ¿estás ahí? Rogers. Sheriff, Roger bol raha hu, sab kuch theek to hai na? Kuch theek nahi hai. Jaise theek hai. Hame yahan do laashein mili hai. Acha. Llévatelo al pueblo, casa de su madre. Veré si lo... मैं देखता हूँ पायन रिज वाले हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर आ सके तो। शेरिफ, तुम्हें पक्का राइफल नहीं चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस इसे शहर पहुंचा दो, मैं भी जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा नहीं हो सकता। पेस्टो, इन खुद को संभालो। मैं नहीं संभल सकता, ये मेरा बेटा है। I'm sorry. किया था तुमने, मुझसे वादा किया था, मेरा बेटा चला गया, मेरा इकलौता बेटा। ये तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी बात सुनी होती, तुमने मेरी चेतावनी समझी होती। पास्टर, इसमें शेरिफ की गलती नहीं है। तुम इसका साथ मत दो, मैंने तुम्हें कहा था वो शैतान को लाए हैं। हाँ, वो शैतान लाए हैं और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओवन, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन टेलर अब ऊपर वाले के पास है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि दिन ढलने से पहले उन बेतुकों को मैं बता दूंगा कि अपनों को खोने का मतलब क्या है। क्या मैं इसका पीछा करूं? उससे मैं उससे बाद में बात करेंगे। एविडेंस बैग लाओ और सभी सबूतों को इकट्ठा करो।
Es un sanguinario. No lo creo. ¿No lo cree? ये चीज बहुत ही भयानक है. मुझे ऐसा नहीं लगता. तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उसने इस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर दिए. ये काम उस शैतान का नहीं हो सकता देवी. जरा इस घाव को ध्यान से देखो. ये वहां फाड़ी नहीं गई है, इसे काटा गया है. मैं समझा नहीं. ये काम किसी जानवर का नहीं है, इसे किसी ने आरे से काट डाला है. आखिर यहां हो क्या रहा है? काश मुझे पता होता. लेकिन से भाट डाला है, लेकिन शरीफ इस बात को इतनी आसानी से नहीं लेगा कि उसका जंगल लाशों से भर जाए. अरे नहीं, क्या हुआ बोलना. मुझे लगता है कि ये वही जगह है जहां हमने उसे पकड़ा था. मतलब पक्का नहीं बोल सकता, तब अंधेरा था. मैंने उसे नदी में काफी दूर फेंका था, लेकिन शायद मुझे उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने चाहिए थे. मुझे वापस शहर जाना होगा, शायद इन सबूतों से कोई जानकारी मिल जाए. क्या तुम अकेले सारा काम खत्म कर सकते हो? हाँ, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा. पक्का ना? हाँ पक्का. तुम्हें तो जाकर उसे नहीं काटना था ना? मुझे इस डील में तुम्हारा हिस्सा भी नहीं रखना चाहिए था. नहीं, क्या सोचकर मैंने तुम्हें बॉडी को फेंकने जैसा पेचीदा काम दे दिया. देखो, मैं किसी मर्डर केस में नहीं फंसना चाहता. शायद हमें जल्दी से ये शहर छोड़ देना चाहिए. उस जानवर के बिना तुम्हें पता है चेन हमें उसका कितना पैसा देने वाला है? अगर तुम अपना हिस्सा लिए बगैर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे. ये तुम्हें कहां से मिली? ये सारी बुक्स मेरी दादी की हैं. वो ऐसी किसी भी चीज से प्रभावित होती थी जो किसी के नहीं होते थे. अजीब लोग जैसे वो और मेरे जैसे लोग. कहा जाता है कि पौराणिक जीव ने मिस्टर लीड्स के 13वें बच्चे को शाप दिया था, जिसने 1735 में यह सुनकर कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, कहा कि अगर उसका एक और बच्चा हुआ तो वो शायद शैतान होगा. जन्म लेते ही वो बच्चा एक शैतान जीव में बदल जाएगा. दाई को मार कर वो न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स फॉरेस्ट में गायब हो जाएगा. उसकी सूंघने की गजब की शक्ति के कारण वो अपने शिकार को मीलों दूर से पहचान लेगा. वो खून का प्यासा होगा, चाहे वो इंसान का हो या किसी और का. अच्छा ये सुनो,
जबकि कुछ लोगों ने इसे लीड्स डेविल का नाम दिया है और कुछ लोगों ने इसे जर्सी डेविल कहा है, सब इस बात से सहमत हैं कि ये तेज गुस्से में और भयंकर हो जाता है और जितना खून ये पीता है उतना ज्यादा प्यासा हो जाता है। चीज मारी नहीं जाती, हम वहां नहीं जाएंगे। अगर शहर के बाकी लोगों को इसकी भनक लग गई तो वो भी निकल जाएंगे। सीधे आंट मैरी के पास चले, डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद। सच कह रही हूँ जेस, तुम लकी हो जो जिंदा बच गए। तुम भी वहां आसानी से मारे जा सकते थे। ओ गॉड, जब मैं इस बारे में सोचती हूं, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम और टेलर वहां क्या कर रहे थे, खास तौर से तब जब तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अब तुम उसके साथ घूमने फिरने नहीं जाओगे। जब से उसे देखा तभी से वो मुसीबत बना हुआ है। वो मर चुका है, समझी मॉम, वो मर चुका है। क्या इतना काफी नहीं है? Yes, I'm so sorry. असल में मैं बहुत खुश हूं कि तुम जिंदा हो। I love you so much. Yes, तुम मेरे बेटे हो। Excuse me, guys. सब आ गए, सबको समझा दिया? Yes. Okay, दोस्तों, आने के लिए शुक्रिया। तुम तैयार हो शरीफ? वो चीज मेरे प्यारे डॉग से छुप नहीं सकती, ये उसे खदेड़ कर रख देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है लूक, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ सब वहां सावधान रहें। जिसके पीछे हम जा रहे हैं वो कोई साधारण जानवर नहीं है। वो घायल है, गुस्से में है और उसे खून पीने में मजा आता है, इसलिए सावधान रहना। वो भी मांस और खून से ही बना है। वो दिखने में शैतान जैसा है पर उसका भी खून बहता है, और इसका मतलब ये है कि हम उसे मार सकते हैं। हाँ, मार सकते हैं। तो ठीक है, हम वहां दो ग्रुप्स में जाएंगे। सुनो जॉन, जॉश, ग्लेन, तुम अपने साथियों के साथ ओल्ड विलो रोड पर जाओ। ब्रायन, जेफ, रिच, तुम लोग कंट्री लाइन से शुरू करोगे। ओके। लूक, तुम मेरे डेवी के साथ रहोगे। मुझे वहां कोई हीरो नहीं चाहिए। जैसे ही कुछ भी मिलता है फौरन खबर करो। ऑलराइट, ठीक है, चलो काम पूरा करते हैं। शांत हो जाओ, शाबाश, चलो बो, कम ऑन। मेरा बेटा मर चुका है, उसे मारा गया है, उसका खून हुआ है, समय से पहले ही उसे उठा लिया गया है। टेलर अच्छा लड़का था, उसकी आत्मा पवित्र थी। पापियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। उसे मरना क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि हम लड़ रहे हैं ऐसी लड़ाई जो समय की शुरुआत से शुरू हुई थी। सही और गलत के बीच की लड़ाई, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई, ऊपर वाले और
शैतान के बीच की लड़ाई। जाओ जाओ ढूंढो उसे ढूंढो। दोस्तों हमें इस चीज पर विश्वास है कि ऊपर वाला सच्चाई का साथ तब तक देता है जब तक हम उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं। फिर भी वो शैतान हमारे बीच ही रहता है, न कि कहीं दूर किसी और जमीन पर। शैतान वहीं चलता है जहां हम अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सिर्फ खाली बैठकर इस पाप को पनपने नहीं देंगे, हम उसे इस अपने प्यारे और अच्छे शहर को खत्म नहीं करने देंगे। भलाई और अच्छाई का काम करो, अपनी अंतरात्माओं को जगाओ और इन सारे पापियों को इस शहर से दूर भगा दो। वो कहां गया? शरीफ, मैंने इसे इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। अब जानता हूं इसे कैसा लग रहा होगा। अच्छा होगा कि मैं इसे घर ले जाऊं। ले जाओ। हाँ, ले जाओ लूक। अब किस तरफ चले? कमान कमान, चलो बच्चे, चलो बच्चे मेरे साथ चलो। कमान कमान। गोली मत मारो, मत मारो। मुझे लगा ये वही जानवर है। तुम दोनों आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो उस जानवर का शिकार। क्या मैं उस जानवर जैसा दिखता हूँ? तुम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं, खासकर इस भरी हुई बंदूक के साथ। तुम सही कह रहे हो शरीफ, हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहे थे। हाँ, गोली मारकर। इससे थोड़ा धीमे से धीमे। बात नहीं, हम इसे शहर तक छोड़ देंगे। नहीं शुक्रिया, मैं इसे खुद छोड़ कर आऊंगा। नहीं, तुम यहीं रुककर उस चीज को ढूंढो, तुम उसे जल्दी ही पकड़ लोगे। इसे टाइट बंधे रहने देना, समझे? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। उस चीज को हम यहाँ से जाने नहीं दे सकते। आई एम सॉरी शरीफ, आई एम सॉरी। इसका अच्छी तरह ध्यान रखना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, इसे यहां से पकड़ो। ये लो, आराम से। नहीं नहीं, हमें चलते रहना चाहिए। देखो बस हम पहुंचने वाले हैं, वो देखो। अगर इसे आराम करना है तो इसे आराम करना है। पर हम पहुंचने वाले हैं, जरूरत है। मुझे बस यहाँ बैठा दो। अच्छा, यहाँ बस यहीं रुको। मुझे पकड़ा, बैठा दो। ठीक है, बैठ जाओ आराम से। क्वीन, चलो चलो। Thank you.
जानवर यही कहीं है और इसका बहुत खून बह रहा है। उसे यही तो चाहिए, खाना। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। उसका मुंह बंद करो, बचाओ मुझे। Yeah! Yeah! हमें और खून की जरूरत है, और ज्यादा खून। से पहले हम कुछ कर पाते उसने हमला कर दिया। उस चीज पर अब बेहोशी की दवा का कोई असर नहीं होता। शरीफ एटलस बोल रहा हूं, क्या वहां कॉर्नर आ गया है? नहीं नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं वहां खुद आकर देखूंगा। नहीं, मेरे पास कीज़ है, मैं अंदर आ जाऊंगा। थैंक्स। मुझे अफसोस है कि इस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी हूं। हाँ, वो कल है। ये सब क्या है? ट्रैंक्विलाइजर्स किसी भी काम के नहीं है। इसमें मैंने इतनी बेहोशी की दवा डाल दी है कि हाथी भी हफ्ते तक सोता रहे। समारा ने जो देखा था क्या तुम वो समझ पाए? क्विन, खुद को इतना तुम परेशान मत करो, तुम्हें पता है कि तुम किसी काम के नहीं हो।
मुझ पर छोड़ दो हु? जब मैं उन चीजों को देखूंगा तो समझ जाऊंगा, समझे बच्चे? सुनकर दौड़ा आएगा। कौन सा खून? ऐसा क्यों कर रहे हो? चुप कर, शोर मत मचा। अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो चुप रहा कर, समझा कि नहीं? तो हमारा की दृष्टि का हिस्सा नहीं था। किसने कहा? हमारे पास रस्सी है, लहरें भी हैं। आखिरी पर बेहद जरूरी, हमें एक टूटा हुआ दिल चाहिए। उसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ, जाकर एक ट्रक और कुछ जंजीरें ले आओ, बहुत सी जंजीरें। मैंने उसे पकड़ लिया है, उसे बाहर खींचने में मदद चाहिए। यह तो बहुत अच्छी खबर है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शरीफ, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने कहां पकड़ा है उसे? मैं पक्का नहीं कह सकता, पर मैं वहां आसानी से पहुंच जाऊंगा। वहां पहुंचने में तुम्हें परेशानी हो सकती है। कैसी परेशानी?
मुझे अपने डेप्यूटी के गले के पीछे से ट्रैंक्विलाइजर का एक हिस्सा मिला है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर रहा हूं। क्या? चलो चले। प्लीज शरीफ, उसमें मेरी गलती नहीं थी। मेरी बात तो सुनो, वो एक हादसा था, वो बीच में आ गया था। सच्ची वो बीच में आ गया था शरीफ? जरूर बीच में आया होगा। जैसे तुम हमारे बीच वो चीज ले आए और सब लोग तुम्हारे गंदे इरादों के बीच में आ गए। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? जानते हो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस जानवर पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। चुप रहो। आज फैसले का दिन है। फैसले का दिन जब पापी और शैतान को ऊपर वाले का सामना करना पड़ता है और खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं, मेरी बात सुनो। तुम हर चीज का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। शैतान की गंदी जुबान पर विश्वास नहीं कर सकते। Yo ejecutaré por ti tu sentencia.
आवाज सुनो बहन, मैंने उस जानवर की आवाज सुनी तो समझ गया कि वो यहाँ आया, इसलिए इस बार और ज्यादा हथियार लाया हूँ। पेस्टर, आपको क्या हो गया? मैंने उस जानवर को मार डाला। आपने उसे मार डाला? हम डर के साए में जी रहे थे, पर अब नहीं। मैंने उस शैतान को मार डाला जिसने मुझसे मेरे बेटे को छीना था। मैं जाकर देख के आता हूं। शैतान मर चुका है, लेकिन उसे लाने वाले असली गुनहगार अब भी हमारे बीच में हैं। छोटे मोटे शो करने वाले संती लोग दिन रात ऊपर वाले की आंखों में अखरते हैं। यही असली शैतान है, यही लोग उस जानवर को हमारे शहर में लेकर आए थे। हमारे बीच उसे खुला छोड़ने के लिए यही सब लोग जिम्मेदार हैं, और उसके लिए इन्हें ऊपर वाले को जवाब देना होगा, और हमें इसके लिए उसका दूध बनना होगा। आपने उसे मार डाला? तुम सबने सुना, इन्होंने अपने बेटे के कातिल को मार डाला। हमें उन शैतान और दुष्ट आत्माओं को जो हमारी जिंदगियों में इतनी मौतें और बर्बादी लेकर आई हैं, उन्हें खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर ऊपर वाले की मदद करनी होगी। अब हमें उस शैतान और उन्हें नर्क भेजना चाहिए जिन्होंने उसे सुरक्षा दी थी। हमें उस शैतान की लाश को रास्ते पर लाना चाहिए और उन्हें देना चाहिए जो उसे यहाँ लाए थे। उसे कौन मेरा साथ देगा? आओ मेरे साथ, आओ, चलो मेरे साथ, चलो अंदर, आइयो, आइयो। बहुत बढ़िया, अब तुम इतने खतरनाक नहीं रहे। ग्लेन, हे, तुम्हारे पास वो पुराना कैमरा अभी है? जाओ जाकर ले आओ, इससे पहले कि हम इसे भून कर खाएं, इसके साथ कुछ तस्वीरें ले ले। कैसा लग रहा हूं मैं? हाँ, ओके है ना, ठीक है, चलो कुछ और हो जाए। या या, इसके तो पुंगी बच गई। हाँ, चलो। या ठीक है, मेरी गन भी आ रही है ना, बढ़िया। या इस गंदे बच्चे को ऊपर ले आओ, अब ये कुछ नहीं कर सकता। हाँ, समझ गया ना तू? सुनो, आज रात ये कार्निवल और ये जानवर चल जाने चाहिए। इन पापियों को बिना सजा दिए नहीं छोड़ना चाहिए। इस पूरी जगह को जला दो, टेंट जला दो, इनकी गाड़ियां जला दो, इन सब संकियों को भी जला डालो। तुमने सुना दोस्तों, जाओ जाकर मिट्टी का तेल ले आओ, आज हम बारबेक्यू मनाएंगे। कम ऑन, जल्दी करो। जादू छड़ियो, हम आ रहे हैं, आगे तुम्हें देख लूंगा। चलो भागो, चलो इस जगह को आग लगा दो। आज तक तुम गए कार्निवल वालों, ये लो, चल जाओ। अब तो तुम गए काम से, जाओ। चलो बेबी, चलो, कम ऑन, कम ऑन। ये तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। सबको पता चलने दो कि ऊपर वाले की नजरों में तुम्हारी मौत बेकार नहीं गई। सच्चाई की लपटें इस शैतान और इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। जैसा कि आपने कहा, हमने सब जगह आग लगा दी है। आओ आकर देखो,
देखो सब कैसे जल रहा है। अब ऐसे लोग यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। हमें इन्हें इनके शानदार काम का इनाम देना चाहिए। जाओ जाकर उस जानवर को खून दो। यस सर। यहाँ से भागो पैसा, अपनी जान बचाने के लिए भागो। Corra, pastor, póngase a salvo. ¡Vago! Mamá, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हें मार दिया था। आकर मुझको भी मार डाला। मेरे बेटे के मरने के बाद मुझमें भी जीने की इच्छा नहीं बची है। ¡Muere!
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने वही किया जो करना चाहिए था। Encoded and synchronized by K4 Krish. Thank you for watching. The hairs on the back of your neck go up as that big red sun goes down.